नमस्कार, मैं हूं यश शर्मा, कोठारी स्टडी नेटवर्क में आपका स्वागत है। हाल ही में भारत जर्मन सहयोग के तहत नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य SDG शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 जारी किया। इससे पूर्व जून 2021 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 का तीसरा संस्करण जारी किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मणिपुर में रानी गेदिनल्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम की नींव रखी। यह संग्रहालय मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के लुआंका गांव में स्थापित किया जाएगा। जनजाति मामलों के मंत्रालय द्वारा 15 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से प्रस्तावित संग्रहालय की स्थापना की जा रही है। स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में ऐसा संग्रहालय युवाओं में राष्ट्रीयता की भावना जगाएगा। ऑल इंडिया रेडियो द्वारा दूरदर्शन और रेडियो शो को मलेशिया के क्वालालंपुर में ABU यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड्स 2021 में कई पुरस्कार मिले हैं। यूनेस्को द्वारा एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के सहयोग से टुगेदर फॉर पीस पहल के तहत पुरस्कार दिए गए हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में सत्तावाद की ओर बढ़ाने वाले देश की संख्या उच्च लोकतांत्रिक मूल्यों वाले देशों की तुलना में अधिक थी। हाल ही में खगोलविद की एक टीम ने सबसे तेज स्पिनिंग वाइट डॉर्फ की पुष्टि की है, जो हर 25 सेकंड में एक घूर्णन पूरा करता है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए संयुक्त राष्ट्र नामित अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन इस तथ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है कि दुनिया भर में महिलाएं विभिन्न प्रकार की हिंसा के अधीन हैं और इस मुद्दे की वास्तविक प्रकृति है, अक्सर छिपा हुआ है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लिए इस वर्ष की थीम ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने पर्यटन की विशाल क्षमता का दोहन करने के लिए नई योजना भारत गौरव की घोषणा की है। एशियाई युवा पैरा खेलों 2025 के पांचवें संस्करण की मेजबानी उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद और एशियाई पैरालंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड द्वारा दी गई मंजूरी द्वारा की जाएगी। पहली बार एशियन यूथ गेम्स 2025 और एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 का आयोजन एक ही शहर और एक ही जगह पर किया जाएगा। क्रिकेट में तमिलनाडु ने 152 रन का पीछा करते हुए कर्नाटक को हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया है। बल्लेबाज एम शाहरुख खान ने आखिरी गेंद पर एक नाटकीय छक्का लगाकर तमिलनाडु को 4 विकेट की रोमांचक जीत के साथ T20 खिताब की रक्षा करने में मदद की है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शिखर संघर्ष यह तीसरी बार है जब तमिलनाडु ने सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट जीता है। इससे पहले 2006-07 और 2020-21 में इसे जीता गया था। पक्ष ने 2019-20 सीजन में भी फाइनल में जगह बनाई थी और कर्नाटक के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। धन्यवाद।